अस्सलाम वालेकुम दरकशाह किचन में। आज हम बनाएंगे सूजी की शाही खीर। किस तरीके से बनाई जाती है, किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत है, हम आपको बताएंगे। पर 2.5 लीटर दूध है, ये प्योर दूध है, मैंने इसमें उबाल लगा लिया है। 200 ग्राम सूजी है, करीब 200 ग्राम ये खोया है मावा, मैंने इसे छोटे छोटे पीसों में कट करके रख लिया है। 500 ग्राम सूजी है, शुगर 1 टेबल स्पून सफ़ेद इलायची पाउडर है, 4 टेबल स्पून काजू है, मैंने इसे कट करके रख लिया है, ग्रेट करके बारीक बारीक। 2 टेबल स्पून चिरौंजी है, 3 टेबल स्पून पिस्ता है, 4 टेबल स्पून मगज़ है, खरबूजे का मगज़ है, 4 टेबल स्पून बादाम है, मैंने इसे ग्रेट करके रख लिया है बारीक बारीक। और करीब 50 ग्राम नारियल है खोपड़ा, मैंने इसे बारीक बारीक कस लिया है। और करीब SST का ये केवड़ा है, 2 बूंद इसे भी डालना है मुझे। आइए बताना शुरू करते हैं। उबाल लगा लेंगे, फ्लेम को कर देंगे हाई। उबाल आ गया है, करीब 5-6 मिनट के लिए हमने दूध में उबाल लगा लिया था, हल्का गाढ़ापन है दूध में। और इसमें सूजी डाल देंगे, चम्मच इसमें चलाते रहना है, चम्मच नहीं रोकना, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। थोड़ी थोड़ी ढक करके डालना है इसमें। सूजी को सारी डाल दिया है, हम इसमें चम्मच इसमें रोकेंगे नहीं, बार बार चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठली नहीं पड़ जाए। चम्मच इसमें जब तक तब तक चलाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आए। उबाल सीढ़ी में आ गया है, तो इसमें सफ़ेद इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब इसमें मावा डाल देंगे, खोया, मेवा डाल देंगे आदि। शुगर डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक केवड़ा डाल देंगे, 2 बूंद, 10 मिनट के लिए इसे मीडियम स्लो पर रख देंगे, दम पे कवर करके। 7-8 से 10 मिनट हो चुके हैं, दम पे रखोगे सीदीन को, अब इसे देख लेंगे। चलो मीडियम आंच पे शिरीनी बनकर तैयार है। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। कितनी दानेदार खिली खिली बनकर तैयार हुई है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसे कर लेते हैं शिरीनी बनकर तैयार है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, किसी भी वक्त इसे बना सकती हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और मेरे तरीके से अपने किचन में एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएँ। कोई फंक्शन हो तब बनाएं या मीठी ईद पे ज़रूर इसे ट्राई करें, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी। इनको सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।